गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आपके 11th क्लास की इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा था हमने, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से ये वर्ड डेराइव हुआ है। इसमें बताया था ओकियोस और नेमियन दो वर्ड्स हैं, हाउस होल्ड और मैनेजमेंट ग्रीक वर्ड्स हैं, इनसे मिलकर बना है। और इसमें आगे की जो इम्पोर्टेंट बात थी वो दो एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी किया था हमने। इकोनॉमिक्स के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्केर्सिटी एंड चॉइस, कमी और चयन। कभी भी हमारे पास इतने मींस नहीं होते हैं कि हम अपनी सारी वांट्स को फुलफिल कर सकें। वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मींस आर स्केयर्ड, और मींस के स्केयर्ड होने से ही जो सिचुएशन क्रिएट होती है दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्केर्सिटी, और इस सिचुएशन की वजह से ही हमें फिर चॉइस पर आना पड़ता है। तो ये दो बेसिक एलिमेंट हैं इकोनॉमिक्स के, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मीन डिक्शनरी मीन मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज टू आर डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो कंक्लूसिवली अगर मैं बात करें तो एक लाइन के अंदर मैं ये कह सकते हैं कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा, इनको हम इंडिविजुअल लेवल पर, कौन से लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल सेक्टर, तो फिर ये अप्रोच कहलाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम एज अ होल, जिसमें ऑल पर्संस, ऑल हाउस होल्ड्स, ऑल फर्म्स, ऑल इंडस्ट्रीज, पूरी इकोनॉमी, पूरी सोसाइटी, पूरा कंट्री एक साथ हम कंसीडर करके स्टडी करते हैं, तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कोई दो अलग अलग इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स एक ही है, बट इसकी अप्रोचेस जो है वो दो अलग अलग है, माइक्रो अप्रोच एंड मैक्रो अप्रोच। माइक्रो अप्रोच इज कंसर्न विद इंडिविजुअल लेवल एंड मैक्रो अप्रोच इज कंसर्न विद होल। ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें आप पहले। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, आगे ना बात, इंडिविजुअल यानी कि एक, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल, जब इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाता है कंट्री लेवल पर एज अ होल और एट द लेवल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। विद दीज ऑब्जर्वेशन इन माइंड, वी नाउ प्रोसीड टू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये माइक्रो वर्ड जो डेराइव हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डेराइव हुआ है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अ ओरिजिनल लैंग्वेज, इज नॉट एन ओरिजिनल लैंग्वेज, ये मूल भाषा नहीं है, इट इज़ अ डेराइव्ड लैंग्वेज। इसके वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के वो अलग अलग जो एंशियंट लैंग्वेजेस हैं, फिर वो चाहे लैटिन हो, अमेरिकन हो, लैटिन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ग्रीक हो, संस्कृत हो, अरबिक हो, ये इन लैंग्वेज से डेराइव किए गए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो कभी भी आप देखिएगा, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में आपको इस तरह का जरूर पढ़ने को मिलेगा कि ये वर्ड फला लैंग्वेज से डेराइव किया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रो वर्ड जो है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा जो है उसके माइक्रोस से। ओके, विच मीन्स स्मॉल, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट,
ये किसको स्टडी करता है? एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको स्टडी करता है, लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, जैसे नमक की मांग, डिमांड ऑफ सॉल्ट, नमक की मांग किसके द्वारा? एक परिवार के द्वारा, सिंगल। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, और इकोनॉमिक यूनिट के स्मॉल ग्रुप की एक्टिविटीज को भी स्टडी करता है, उसमें सारे यूनिट्स नहीं आती है, कुछ एक यूनिट्स ही आती हैं, लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय द ऑल हाउसहोल्ड, जितने भी परिवार हैं उन सभी के द्वारा नमक की जाने वाली जो मांग है उस मांग को स्टडी जो करेगा वो कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। अब आप कहेंगे साहब यहाँ पे तो सारे हाउस होल्ड आ गए ना, तो हम इसको मैक्रो क्यों नहीं कहें, हम इसको माइक्रो क्यों कहें? तो माइक्रो इसलिए कहेंगे क्योंकि केवल नमक की बात हो रही है, अदर गुड्स की बात नहीं हो रही है। मैक्रो के अंदर पर्टिकुलर गुड या पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड की बात नहीं होती है, टोटल डिमांड की बात होती है, टोटल गुड्स, टोटल डिमांड, टोटल जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उन सभी की टोटल डिमांड को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें एक फैमिली के द्वारा की जाने वाली नमक की मांग या सभी परिवारों के द्वारा की जाने वाली नमक की मांग, ये दोनों ही विषय, ये दोनों ही सब्जेक्ट, ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वो किसके हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दस इंक्लूड्स स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, इसमें क्या क्या शामिल है वो हम पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। डिमांड थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी है, प्राइस डिटरमिनेशन, जो प्रोडक्शन होता है कोई भी गुड प्रोड्यूस होती है तो उसकी प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे तय किया जाता है कि भाई कोई कमोडिटी एक्स है, इसको मैन्युफैक्चर कर लिया कंपनी ने, अब इसको कितने में बेचना है, तो दैट मैकेनिज्म, दैट थ्योरी इज कॉल्ड प्राइस डिटरमिनेशन, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। एंड फैक्टर प्राइसिंग, और फैक्टर प्राइसिंग का मतलब कि जो इनकम जनरेट हो रही है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ओके। और ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ये माइक्रोस से लिया गया है, ये मैक्रोस से लिया गया है, ठीक है ना, लिया गया है मतलब डेराइव हुआ है। तो विच मीन्स लार्ज, इसका मतलब होता है लार्ज, विशाल, बड़ा, बिग, ओके। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही स्टडी करता है बट रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि सिंगल पर्सन की, सिंगल हाउस होल्ड की, सिंगल फर्म की, सिंगल इंडस्ट्री की, सिंगल सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी नहीं करता है बल्कि ऑल फर्म्स, ऑल हाउस होल्ड, ऑल पर्सन, ऑल सेक्टर्स एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल कंसीडर करके जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल इट स्टडीज एग्रीगेट डिमांड, ये भी डिमांड को स्टडी करता है बट नॉट इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, टोटल डिमांड से मतलब टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, नॉट पर्टिकुलर गुड और पर्टिकुलर सर्विस, ओके, फॉर ऑल गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, ये डील करता है जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट का मतलब जो सम टोटल्स हैं, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या हो गई, नेशन में रहने वाले सारे पर्सन्स की इनकम का सम टोटल इज कॉल्ड नेशनल इनकम, तो ये नेशनल इनकम को स्टडी करता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है, जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करता है, जनरल प्राइस लेवल का मतलब महंगाई दर, जिसको हिंदी में कहते हैं कि भाई जनरली इस समय जो है एवरेज जो प्राइस लेवल है वो कितना है, तो वो पर्टिकुलर किसी कमोडिटी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता है, वो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। तो इसको पढ़ के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही स्टडी करता है बट नॉट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल बट एट द लेवल ऑफ एज अ होल, ओके। आगे देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स द डिफरेंस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस को बताया गया है, एक टेबल दी हुई है। बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू स्केस्टी एंड चॉइस, देखिए बेसिक प्रॉब्लम वही है स्केस्टी और चॉइस की, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर इसको हम एज अ होल स्टडी करेंगे तो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए इसका डिफरेंस दिया हुआ है इस टेबल में, एक एक पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फर्म
individual household or an individual consumer. On the other hand, macroeconomic studies economic relationship or economic problem at the level of economic as a whole. यहाँ पर individuality का कोई जगह नहीं है. Second is, microeconomics is basically concerned with the determination of output and price of an individual firm or industry. एक individual firm या industry की जो आउटपुट है और उसकी प्राइस को डिटरमाइन करने का काम है वो कौन करता है, कौन सी थ्योरीज करती है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज करती हैं. अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर्ड टू एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस. इसका दूसरा नाम भी है थ्योरी ऑफ प्राइस. ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ प्राइस को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल. ये एज अ होल की बात करता है, संपूर्ण रूप से एक साथ कंसिडर किया जाता है इसमें. अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या जनरल प्राइस लेवल भी इसको बोलते हैं. ठीक है ना, तो ये जनरल की बात है, ये इंडिविजुअल की बात है. इसी तरह से तीसरा डिस्टिंक्शन है, थर्ड डिस्टिंक्शन इज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अश्योर्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उस समय कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ग्रीशिया, इट इज अज्यूम दैट द एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन वाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करते वक्त जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं. एग्जांपल, इट इज अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडिंग द डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल. देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैक्रो है वो माइक्रो से ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. भाई सभी इंडिविजुअल को जब हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा. ओके तो यहां पर ये जो तीसरा डिस्टिंक्शन है इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम माइक्रो को स्टडी करते हैं तो जो मैक्रो वेरिएबल है उनको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब मैक्रो को स्टडी करते हैं तो जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनको कॉन्स्टेंट मान लेते हैं स्टडी को के पॉइंट ऑफ व्यू से. और चौथा डिस्टिंक्शन है मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं उनमें जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, इनके बारे में डिटेल से हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. मांग और पूर्ति ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एट और फैक्टर प्राइसिंग. ऑन द अदर हैंड जब मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, 12th क्लास में आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन. तो दीज आर फोर डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके आज के लिए बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, और इस वीडियो के अंदर अगर हम उसको कवर करते हैं तो ये आपके लिए पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा. इसलिए मैं आज का टॉपिक यहाँ तक ही कन्फाइन रखूँगा. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे. ओके इसको आप पढ़िएगा, पहले बुक से पढ़िएगा, पहले मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद बुक से दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो उसको मार्क करके रखें. जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को, आपके डाउट को दूर कर सकूं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय.